हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ऑटो शटडाउन कर सकते हैं अपने विंडोज 11 पीसी या लैपटॉप को। तो बड़े इजी और आसान स्टेप्स में हम इसे करेंगे ऑटो शटडाउन को। यानी कि आपका पीसी, मान लें आपने सेट किया 400, तो 400 सेकेंड्स या मिनट्स में आपका शटडाउन हो जाएगा इजीली। जैसे कि मैंने इधर ये कमांड, आपको सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट में ये कमांड आपको टाइप करना होगा, फिर शटडाउन लिखे, फिर स्पेस माइनस और स्पेस ना दें, और माइनस से स्पेस बीच में ना दें, फिर स्पेस माइनस टी और फिर स्पेस फोर, लाइक इधर आप सेकंड टाइप करें। जैसे कि मैं 2000, तो ये 2000 है, तो मैं कैलकुलेट ओपन कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने ओपन कर लिया, अब मैं टाइप करूँगा इधर 2000 और डिवाइड करूँगा इससे 16 से, तो आंसर है 33 मिनट्स। तो आपका पीसी 33 मिनट्स के लिए शट डाउन हो जाएगा। तो सबसे पहले इधर आप लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं इधर 600 टाइप कर रहा हूँ, तो ये है सेकेंड्स, ये 600 सेकेंड्स के लिए शट डाउन हो जाएगा। तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लें आप, और इसके ऊपर राइट क्लिक करें, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर दें। ये परमिशन मांगे है तो यस पे क्लिक करें, और फिर इधर आपको ये टाइप करना है, और इधर आप सेकेंड्स टाइप कर लें कितनी सेकेंड्स में शट डाउन हो जाए। इधर सेकेंड्स टाइप कर लें आप, सिंपली इधर सेकेंड्स टाइप कर लें, उतनी देर में आपका किसी शट डाउन हो जाएगा। तो 600 तो आप सिंपली इधर कॉपी करके पेस्ट कर लें। अगर आप नोट्स में कर रहे हैं तो इधर कॉपी करके पेस्ट कर लें। अगर आपको कमांड प्रॉम्प्ट में ये टाइप कर रहे हैं, आप सिंपली ये टाइप कर लें कमांड प्रॉम्प्ट में, और फिर इधर गैप छोड़ के इधर ये जितनी सेकेंड्स के लिए आपको करना है वो उतनी सेकेंड्स इधर टाइप कर लें, फिर एंटर पे क्लिक कर दें। मुझे अभी सेट नहीं करना ऑटो, तो मैं नहीं कर रहा। सिंपली ऐसे ही आप इजीली कर सकते हैं। तो 28 मिनट को देखने लिए, और फिर आप अपने पीसी या लैपटॉप को रिस्टार्ट कर लें, फिर रिस्टार्ट के बाद आप इजीली सेट कर लेंगे ऑटो शट डाउन विंडोज 11 में। तो कमेंट करें वीडियो पे आपको ये मेथड वर्कफुल हुई या नहीं, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।